जब हम बनेले रहनी इतना टेस्टी सा पूरी आलू और सूजी के इतना टेस्टी सा पूरी बना करके तैयार करले रहनी है, सबके बहुत पसंद आयल बा और रेसिपी आप सब लोग के साथ हम शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हैं एकता भोजपुरी स्वादिष्ट रसोई में रहुआ सबके आज बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत ही टेस्टी सा हम आलू और सूजी के पूरी की रेसिपी लेके आयल बनी रहुआ सब खाती। तो चलिए बिना देर के लिए टेस्टी सा रेसिपी शुरू कर जाए। रेसिपी बनावा खातिर सबसे पहले हमने केजगी ले लेब जा सूजी। तो एक कटोरी के करीब हम इसकी सूजी लेते नहीं, मोटा वाला सूजी के हम यूज़ के लिए बनी, या पतला वाला भी ले सके नहीं। अब हम एक में डाल देव गर्म पानी। तो पानी हमारा बस उतना ही डाले के बाद जैसे सूजी जोन बटे वो अच्छे से भींग जाओ, बहुत ज़्यादा हमने के पानी ना डालब जा। आप देख सके नहीं बहुत कम हम इसकी पानी डालते नहीं, अच्छी तरह से भींग जाए बस उतना ही पानी डाले के बाद। तो बस देखिए इसकी बहुत ही बढ़िया से भींग गई बा। अब हम एक के ढक करके रख दे 10 मिनट खाती, ताकि जन सूजी बा वो पूरी तरह से फूल जाओ। तो अब 10 मिनट खाती ढक दे नहीं, 10 मिनट के बाद हम इसके ढक्कन हटा दे ले बनी। तो आप देखिए कितना बढ़िया से सूजी फूल करके तैयार हो गई बा। तो अब हम एक में कुछ प्याज वगैरह काट के डालते नहीं। तो सबसे पहले हम एक इसकी दे बनी खूब सारा धनिया पत्ता, प्याज डे बनी एक मीडियम साइज़ के बारीक काट लेवे के बा, और हरी मिर्च अपना हिसाब से डाल सके नहीं आप, तीखा जितना आपके पसंद बा। अब हम इसकी उबलल आलू लेता नहीं, तो मीडियम साइज़ के 4 आलू के तरी मसल करके डालता नहीं, आप चाहें तो करा के कद्दूकस के भी डाल सके नहीं। अब डालब चिली फ्लिक्स 1 छोटा चम्मच, साथ ही में डालता नहीं ऑरिगेनो 1 छोटा चम्मच, मिक्स हब के यूज़ के लिए बनी, अगर आप चाहें तो करा के स्किप कर सके नहीं, वह बटे 1 छोटा चम्मच। साथ ही में डाल दे अजवाइन 1 छोटा चम्मच, और बस अब हम एक में डालो स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल करके अब हम इसकी डालते नहीं गेहूँ के आटा। तो जोना कटोरी से हमने के सूजी ले बनी जाए, बिल्कुल वही के साइज़ और वही नाप से हम ले गेहूँ के आटा, अगर आप चाहें तो करा के मैदा में भी बना सके नहीं। बस अब डाल दें खूब सारा कसूरी मेथी। तो हम इसकी एक मुट्ठी करीब डाल दे बनी और अच्छे से मिक्स कर ली। आटा गूंद करके तैयार करे के बाद एक सेमी सॉफ्ट डो लगा के बाद में कोनो तेल के ज़रूरत नहीं है, या फिर हमने के पानी नहीं खे डाले के, जितना हमारे सूजी पानी पी ले बना ओकरे से बहुत ही बढ़िया सा डो बन जाए। तो देखिए कितना बढ़िया बन गए। अगर आप चाहें तो करा के रेस्ट खातिर रख सके नहीं 2 से 3 मिनट। अब हम एक छोटा छोटा लोई बना करके तैयार करते हैं। तो देखिए जैसा आपके साइज़ चाहिए आप बिल्कुल वो साइज़ के लोई बना करके रख ली ही। तो छोटा छोटा सा हम इसकी लोई बना ले बनी, साथ ही में हम चकला पर डालते हैं सूखा आटा, आप चाहें तो करा के तेल में भी बना सके नहीं। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करे के एक पूड़ी के शेप दी है, जितना बड़ा हमने के पूड़ी बना ली जाए बस वही तरी सारा बेल करके तैयार कर ली। तो इसके हम कुछ पूड़ी बना करके तैयार कर ले बनी। अब हम कढ़ाई में तेल के अच्छे हीट पे गरम करते रहे। जब तेल बढ़िया से गरम हो जाए तब आप एक एक करके पूरी एकरा में तल लें। गैस के फ्लेम रखी आप मीडियम से स्लो पर, और एक अच्छा कलर आवे तक सारा पूरी के तल के तैयार कर लेवे के बाद। तो बस आप देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर एकरा पे तेल डालत जाए, ताकि जल्दी से दोनों साइड से ही अच्छे से पक जाओ। तो इसकी देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया बा, एकरा के निकाल लेता नहीं जा, और साथ ही में जो बाकी के पूरी बा ओकरा के भी हमने के तल के तैयार कर लेता नहीं जा। रेसिपी बनाई जरूर बहुत ही टेस्टी लगे, और बच्चन के टिफिन में देवे खाती तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी बा। एकरा साथ कोनो चीज़ के जरूरत नहीं के, हम तो फिलहाल छोला के साथ एकरा के सर्व के लिए रनिया, बट ये चाय के साथ या सॉस के साथ या इमली के खट्टी मीठी चटनी के साथ जैम के साथ बड़ा टेस्टी लगेगा, बहुत ही स्वाद करावेला खाए में। बस बहुत ही टेस्टी सा पूरी आलू पूरी के सब्जी हम बना के तैयार कर ले बनी। अगर पसंद आयल हो तो लाइक से सब्सक्राइब करा, फिर मिलते नहीं, बाय बाय।